हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 19 अप्रैल है और आज हम अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा मनोरंजन पंत सर, इनके जो है क्वार्टर पे हम रुके हुए हैं। पंत सर भी परसों आ गए थे यहाँ पे, अभी ब्रेकफास्ट करने चलेंगे बाहर। ये जो सुमंगलम रेस्टोरेंट है ना जी, बहुत बढ़िया सर जी ने बताया कि अच्छा मार्केट के अंदर ही है, गूगल पे भी सर्च करोगे मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो अभी हमने ये पूरी सब्जी मंगाई है, बटर मसाला डोसा आ गया, इसको भी टेस्ट, मतलब टेस्ट तो सोचना ही नहीं है कि टेस्ट करेंगे बताएंगे, बढ़िया ही टेस्ट है। कभी अल्मोड़ा आओ तो यहाँ पे सुमंगलम में जरूर खाइए, और ऐसा नहीं है कि मुझे सुमंगलम वालों ने फ्री में दिया ऐसा नहीं है, वाकई बेहतरीन है। सुमंगलम वालों को तो पता भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। तो सर अभी हम चलते हैं, ठीक है जी, रानीखेत की तरफ जाएंगे, फिर द्वाराहाट जाएंगे, फिर अपना कोसाने जाएंगे और अगले हफ्ते फिर से यहाँ आएंगे। बिल्कुल, डेट वगैरह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बता देना जब ये जैसा भी मुझे बता देना, उसी हिसाब से मैनेज कर लूँगा। और ये डॉक्टर साहब ना चलते चलते आइसक्रीम खिला रहे हैं। डॉक्टर साहब जो भी खाने पीने के शौकीन डॉक्टर हो ना, वो समझ लेना बढ़िया डॉक्टर है। एक अपने विवेक पाठक साहब थे भाई साहब, बहुत बढ़िया डॉक्टर थे। अब मुझे कैसे पता बढ़िया थे, क्योंकि छोले भटूरे के शौकीन थे वो, बहुत शौकीन थे, मैं समझ गया हमें बढ़िया। एक अपने शल्य साहब, हाँ शल्य साहब, वो तो खाने के खिलाने के एक नंबर के, मुझे खिलाने का बहुत शौक है। हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसी सर जी है, तो जो भी डॉक्टर आपको खाता पीता मिला ना, खिलाता उलाता, समझ जाओ बढ़िया डॉक्टर है। ये लो चीयर्स करो, चीयर्स। अच्छा दीप्ति आइसक्रीम नहीं खाती, क्यों नहीं खाती? क्योंकि इसका फिर गला खराब हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। अबे डॉक्टर के साथ खाओ ना, चिंता नहीं करो। हाँ डॉक्टर के साथ खाओ, कभी कभी खा लेना चाहिए इसको, कुछ होगा हैबिट नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। हाँ चलो सर ठीक है, चलते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, चलिए फिर मुलाकात होगी। ये पार्किंग बढ़िया है जी, मल्टी स्टोरी पार्किंग है, यहीं पर हमने रात बाइक खड़ी कर दी थी, 15 रुपये लगे। अच्छा 15 रुपये क्या, सुबह 10 बजे से लेके और अगले दिन सुबह 10 बजे तक का यहाँ साइकिल होता है, जैसे वो साइकिल कंप्लीट हुआ फिर 15 रुपये चढ़ जाएंगे। यहाँ से जी 15 किलोमीटर दूर है कटारमल, तो पहले कटारमल जाएंगे और फिर उसके बाद शीतला खेत जाएंगे, और हो सकता है आज शीतला खेत में रुक जाएं, कोई बुकिंग वगैरह तो है नहीं, बट चलो देखते हैं जैसा भी होगा। फिलहाल चलते हैं कटारमल, तो यही वाली रोड जा रही है, दीप्ति बाइक चला रही है, और आज जो है हमने दीप्ति को भी माइक दे दिया है। हाँ बोल भाई। हाँ भाई, हाँ मुझे भी दे दिया माइक। कटारमल आ गया, 10 किलोमीटर बचा है बस। ज्यादा तेज तो ना चल रही मैं? ना बढ़िया चल रही है बहुत। और रानीखेत तो यहाँ से कुल 40 ही किलोमीटर है। रानीखेत? हाँ हाँ, यही रोड, ये रानीखेत वाली रोड ही तो है। ऐसी बोलती रहे, बोलने की स्पीड बढ़ा अपनी, जितनी जल्दी जल्दी बोलेगी चबर चबर, उतना ही जल्दी हमारा चैनल ग्रो करेगा। ये नज़ारों की तारीफ कर, बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं। अरे अभी मैं नज़ारे नहीं देख रही हूँ, और अभी तो मैं रोड देख रही हूँ। रोड देख रही है? हाँ। तो ये जो चीड़ के वो पड़े हैं ना? हाँ यही दिख रहे हैं बस मुझे, सड़क चीड़ के जो पत्ते पड़े हैं ना, ये फिसलने वाले होते हैं। हाँ तभी मैं इनसे बचा बचा के ही चला रही हूँ। हाँ इनसे बचा बचा के चला, और इन पे तेज ब्रेक ना मारिए, और तेज ब्रेक अगर मारने हैं तो तब मारिए जब मैं उतर जाऊंगा, मुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। काफी नीचे आ गया, चीड़ भी कम है। हाँ। और नीचे लेफ्ट में तो चीड़ भी नहीं है। हाँ। बहुत नीचे आ गए सब, अभी थोड़ी देर में कोसी नदी आने वाली, वो पार करेंगे। आर्क ब्रिज है नीरज? आर्क ब्रिज, ये नीचे कोसी नदी है। हाँ, और लेफ्ट साइड में डैम है। अच्छा लेफ्ट में डैम है। हाँ। यहाँ से तो नहीं दिख रहा वैसे, हाँ पानी रुका हुआ सा। किधर तो जाना है? किधर जाना है देख, फिलहाल तो राइट मुड़ जा। रानीखेत 33, द्वारहाट 66 और कोसानी 34। अब हम कहाँ चले? लेफ्ट में जाना रानीखेत की तरफ, कोसानी थोड़ी जाना अभी। शायद कटारमल गांव दिख रहा है? नहीं लेफ्ट में होगा, एक रोड लेफ्ट में जाती हुई मिलेगी कटारमल के लिए। अच्छा मुझे लगा ये नीचे वाला है। कहीं ना कहीं बोर्ड लग रहा होगा जरूर, अभी जब तक बोर्ड नहीं दिखता तब तक तो चलती रहे। वेलकम टू हेरिटेज सर्किट, यहाँ से लेफ्ट ले लिए। कटारमल सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण कटारमल्ला एक कत्यूरी राजा द्वारा 9वीं सेंचुरी में किया गया था। तो ये 9वीं सेंचुरी का मंदिर है, और आज कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21वीं। तो भाई जी ये रास्ता जा रहा है ना? ये नीचे वाला सर।
अच्छा ये नीचे वाला अच्छा अच्छा कितने कितने दूर होगा यहाँ से? यहाँ से करीब 500 मीटर मान के चलिए। 500 मीटर यहाँ से दिखता है मंदिर? ये सामने दिख रहा है ना सर। ये था जी कटारमल का सूर्य मंदिर, बढ़िया मेंटेन कर रखा है भारतीय पुरातत्व विभाग, दो स्टाफ भी हैं और उन्होंने वैसे कैमरे के सामने आके कुछ बोलने से मना कर दिया कि जी वैसे ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ भी हमसे बुलवा लो वो हम बता देंगे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया मंदिर के बारे में। ये जी दीप्ति बैठी हुई है, इसकी हालत हो गई ख़राब, बताओ भाई कैसी हो, क्यों हो गई हालत ख़राब तेरी? तो चश्मा लगा ना, चश्मा लगा लिए वाला लगा बढ़िया वाला, हाँ अब लगा चश्मा, ठीक है सिर में दर्द हो रहा होगा? अच्छा हाँ चल मुस्कुराहट सी तो आ गई तेरे चेहरे पर, चल अब उठ के चल आगे आगे। अरे अरे कुत्ता मुझे देखे क्यों भोग रहा है भाई? अच्छा ऐसा है जी, ये इस जगह की हाइट है तकरीबन 1400 मीटर सी लेवल से, 1400 मीटर और मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई जून चार महीने तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, 1400-1500 मीटर की हाइट पर बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। चीड़ वगैरह का पेड़ है लेकिन हालांकि गाँव के आसपास चीड़ नहीं है, सामने अल्मोड़ा दिखाई दे रहा है। कभी आओ या तो मानसून में आओ कटारमल और या फिर सर्दियों में आओ, मानसून सर्दियों में बेस्ट है, गर्मी में आओगे तो गर्मी परेशान करेगी जैसे कि दीप्ति, हाँ दीप्ति को परेशान कर रही है गर्मी। तो चलो फिर भी बहुत बढ़िया साइट थी, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में ना इस तरह कुमाऊँ में इस तरह के कई सारे मंदिर हैं, अपना ये कटारमल हो गया, द्वाराहाट हो गया, जागेश्वर हो गया, बागेश्वर हो गया, एक वो है बैजनाथ, एक बैजनाथ हो गया और भी होंगे मेरे दिमाग से, मेरे दिमाग में अभी यही मंदिर आ रहे हैं और बड़ी बढ़िया 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 मंदिर है ये। ये आ गए जी अपनी बाइक पे, बाइक बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई है। चलो भाई तू चला, क्या तू चला, मुझे नींद आ रही है। बाइक में चलाऊं? ये तो बढ़िया बात है, बाइक चलाने को मिल गई मुझे। दीप्ति को नींद आ रही है, ऐसा होना चाहिए, नींद आए तो बाइक वाइक नहीं चलानी चाहिए बिल्कुल भी, हम जो है दीप्ति की कड़ी प्रशंसा करते हैं। ओ बाइक मिल गई भाई, मजे आ गया, जिंदगी बन गई, बड़ा आदमी हो गया, अब जो है बकवास करते चलेंगे पूरे रास्ते। अब चलना है जी हमें शीतला खेत, शीतला खेत की डिस्टेंस है यहाँ से 20-22 किलोमीटर, लेकिन दो रास्ते हैं, एक तो हम रानीखेत वाली रोड पकड़ें और फिर वहाँ से कहीं से शीतला खेत वाला कट ले लें, और दूसरा रास्ता है वापस कोसी की तरफ जाएं, कोसी से फिर शीतला खेत वाली रोड ले लें। हालांकि गूगल रानीखेत वाले से बता रहा है लेकिन हम कोसी वाले से जाएंगे, ठीक है जी। पानी 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 चलता रहूं, दीप्ति ना पीती है ना पीने देती है, और मुझे लग रही है प्यास बहुत जोर की, दीप्ति ने कर दिया मना। इस जगह का नाम है जी कोसी, ये बगल में एकदम कोसी नदी है, और ये कोसी ना बिहार वाली कोसी नहीं है, वो दूसरी है, वो नेपाल से आती है फिर बिहार से फिर गंगा जी में मिल जाती है, ये यहाँ की लोकल कोसी है, ये फिर रामगंगा में मिल जाएगी, रामगंगा फिर गंगा जी में मिल जाएगी। ये पुल है भाई इतना खूबसूरत सा, पुल पार करके चले जाएंगे अल्मोड़ा चले जाएंगे, सीधे जाएंगे तो हम शीतला खेत चले जाएंगे जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। भाई आग लग रही है अरे जंगल में, चलो मैं दिखाऊंगा आपको, ये धुआं ही धुआं दिख रहा होगा ना, और अगर रात का टाइम होता ना तो यहाँ पे बड़े खतरनाक वो दिखता नज़ारा एकदम, तो दिन में तो उतनी, ये देखो ऊपर तो आग लग भी रही है तेरी की, सारी सारी आग ना सूखी घास में लग रही है, तो घास सूखी हुई है और ये चीड़ के जो पत्ते हैं ना ये देखो नीचे गिरे हुए हैं सब, इनमें आग लगती है, और एक बार भाई साहब आग लग जाए फिर ये बुझनी मुश्किल है, और हवा तेज चल रही तो फिर उससे फैलती चली जाती है। अभी हम जब सड़क से जा रहे थे ना शीतला खेत की तरफ, तो हमें जंगल के अंदर एक बोर्ड सा दिखाई दिया, उस पर लिखा हुआ था नया लाभ, तो हमने देखा कि क्या है ये, अंदर आए तो यहाँ पे हमें चंदन भाई मिले हैं, चंदन भाई ने बताया कि यहाँ पे जो है चार पांच कुछ बढ़िया बढ़िया टेंट से बने हुए हैं, तो दो टेंट तो अभी इनके ऑक्यूपाइड है, दो टेंट अभी खाली है, तो उनके वीडियो हम आपको
विस्तार से दिखा देंगे कैसी कैसी है। तो हमें ये लोकेशन आपकी बड़ी पसंद आई है, हालांकि हम यहाँ पे तो नहीं रुक रहे, थोड़ा सा आगे जाके शीतला खेत में देखते जैसा भी, बट हमें ये लोकेशन आपकी इतनी बढ़िया आई है पसंद जी। तो हमारे देखने वाले लोग कभी कोई ना कोई यहाँ पे आ जाएगा। नहीं बिल्कुल सर। तो चारों तरफ इसके जंगली जगह, पास में कौन सा गाँव है यहाँ पे? यहाँ सल्ला रोचला के नाम से गाँव है। हाँ सल्ला रोचला, उसके जस्ट बगल में नौला। और यहाँ से शीतला खेत कितना दूर है? यहाँ से शीतला खेत सर कम से कम 4 किलोमीटर दूर है। 4-5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर शीतला खेत से अल्मोड़ा की तरफ 4-5 किलोमीटर पर ये जगह है जी। अगर आपको किसी को यहाँ पे आना हो तो यहाँ की बुकिंग का लिंक, सारी डिटेल हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके यहाँ की बुकिंग करा सकते हो। टैरिफ वगैरह का ऐसा मामला है कि वो सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। आज हम कुछ बता देंगे तो कल चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑफ सीजन, पीक सीजन, वीकेंड, वीकडे, इन सब के हिसाब से चेंज होता रहता है। हाँ तो लेटेस्ट टैरिफ क्या चल रहा है वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा लिंक पे क्लिक करके। तो भाई दावे हमें बहुत पसंद आया और हम पूरे उत्तराखंड में इसी तरह की लोकेशन देखते जा रहे हैं, बिल्कुल स्टैंड अलोन, बट जंगल की तो देखो पूरी फीलिंग आ रही है। जंगल तो आप चारों तरफ से जंगल ही जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल। मुझे बहुत ज्यादा बहुत पसंद आया। चलो ठीक है चंदन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। तो सर चाय भाई आप? बस भाई चलते हैं, तो आलू की गुटकी खिलाते हैं। कोई नहीं भाई, थैंक यू। हम पहुंच गए जी शीतला खेत और इस जगह का नाम है हिमाद्री होम स्टे। इसकी स्टोरी बताऊंगा, पहले मैं आपको होम स्टे की विजिट करा दूं। ये अपना रूम है जी, एंट्रेंस एंट्रेंस होते ही किचन है, किचन हो गई। किचन में क्या क्या रखा हुआ है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, इनमें भी है कुछ, कुछ नहीं, कंबल रखे हुए हैं इनमें तो कंबल खा लो। और भाई ये है जी कमरा आज का हमारा, वाह भाई वाह, वाह नीरज, वाह भाई वाह वाह वाह। और ये नीरज भाई जो है मोबाइल, पेट ज़्यादा निकल रहा, अंदर हो ऐसे पेट जो है ना बेइज्जती खराब करवा देता है मेरी कदम कदम पे। ये हो गया शौचालय, ये ठीक है जी। और अच्छा सर जी क्या ले आए? चाय ले आए, ले आओ ले आओ, चाय दे दो तो, रख दो सर, थैंक यू। चाय आ गई। और भाई बैठने उठने की बहुत जगह है, हटिए भाई। और ये है अपनी खिड़की, बिस्तर पे यहीं पड़े पड़े जो है खिड़की के थ्रू बाहर का नज़ारा देखते रहो। बाहर का नज़ारा मैं आपको बाहर का नज़ारा भी लेके चलूँगा। ये हो गया बाहर का गेट, बालकनी गेट। ओए होए जाली भी है। चलो भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह 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 वाह। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ ना, ये धुंध सी की वजह से ना वो हिमालय की जो चोटियाँ दिखती है ना, वहाँ 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 ओ मेरी उंगली के जस्ट पास पास, तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ बढ़िया तरह से, आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी समस्या है, ठीक है। तो वो दिख नहीं रही है यहाँ से, या फिर थोड़ी सी बारिश हो जाए, इतनी सी हो जाए बस रात, भाई साहब सुबह सुबह इतना बढ़िया नज़ारा दिखेगा, आत्मा खुश हो जाएगी। और बारिश वरिश तो होनी नहीं है वैसे, नज़ारे दिखने नहीं है वैसे। अच्छा चलो अब मैं एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर मैं कैसे आया, क्या इसका टैरिफ वैरिफ क्या है। मैंने गूगल मैप पर मैं सर्च मार रहा था, गूगल मैप पर मेरी बहुत बढ़िया कमांड है, तो मुझे एक परफेक्ट मतलब गूगल मैप देख के, और ये कौन सी जगह है, शीतला खेत, शीतला खेत देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया। मैं कहा इस वाली लोकेशन पे अगर कोई होम स्टे मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए ना बढ़िया सा, तो दिन बन जाओगा। तो फिर ये हिमाद्री होम स्टे मिला मैंने, इसका देखा तो मुझे बढ़िया लगा, फ़ोन कर दिया मैंने इन्हें, गूगल मैप से फ़ोन नंबर मिल गया। मैं कहा भाई पैसे वैसे बताओ, कहने लगे जी 2000 रुपये का रूम है। तो ये रूम वाकई है भी 2000 रुपये लायक, पहले तो मैं सोच रहा था रूम से ज्यादा बालकनी 2000 के लायक है। हाँ तो जी हमने कर दिया बुक, मगा भाई हमारा बुक कर लो, कहने लगे जी एडवांस भेज दो। मगा यार एडवांस भेजेंगे तो हम जब फंस जाऊंगे, फंस इसलिए जाऊंगे क्योंकि भाई हमारा मूड की बात है, हम इधर का मूड उठ गया तो उधर चले गए, उधर का मूड उठ गया उधर चले गए। मगा भाई एडवांस नहीं भेजूंगा मैं, तेरा कोई गेस्ट आता हो गेस्ट ले ले, हमारी बुकिंग वुकिंग कैंसिल मार, हम तुम्हारे पास आएंगे और खाली होगा तो रुक जाएंगे, नहीं होगा तो वो खाली था, आज वैसे भी मंगलवार था तो खाली था। तो 2000 का हमें रूम, इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है 2 लोगों का।
अब जो है ना ऐसे में रुका करेंगे, ऐसे से ना एक अपना स्टैंडर्ड सा बढ़ता है। अच्छा हाँ, वैसे यहाँ पे होटल वगैरह भी है तो सस्ते होटल भी होंगे है ना, तो मुझे पक्का पता नहीं है क्योंकि अभी अभी हम आए हैं जस्ट, तो पता नहीं है बट फिर भी बढ़िया है। हाँ एकदम शांत गाँव है। तो अगली वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे, मतलब ये शीतला खेत के जो आसपास के दर्शनीय स्थान है, ये चारों तरफ एक ऐसा गांव है, चारों छोटा सा गांव है और चारों तरफ ना घने जंगल से घिरा हुआ है। तो अगली वीडियो में हम आपको शीतला खेत दिखाएंगे, भले ही हमें कल को भी यहीं पर रुकना पड़े। आगे की कौन सा हमारी बुकिंग है, कौन सा आगे हमारी को ट्रेन छूट जाओगी, राजधानी छूट, शताब्दी छूट जाओगी, शताब्दी छूटने पे ये बहुत रोती है। हाँ, ये ना ट्रेन छूटते ही रहता है। हाँ, तो कौन सा हमारी शताब्दी राजधानी छूट जाओगी, जी करेगा यहीं पे जाओगे अपना क्या जा रहा है। चलो भाई ठीक है, आप जो है रेस्ट करो और वीडियो कर रहे हैं खत्म। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब ना कराओ तो सब्सक्राइब कर दियो चैनल। और अभी हम 10-15 दिन तकरीबन एक महीना हम अभी कुमाऊं में रहने वाले हैं, रोज आपको जैसे हमने वो वाला रिसोर्ट दिखाया था, हालांकि उसमें हम रुके नहीं बट हमने दिखा दिया क्योंकि हमें बढ़िया लगा। तो ऐसे रास्ते में चलते चलते हमें कोई रिसोर्ट बढ़िया लगेगा, कोई होम स्टे बढ़िया लगेगा तो रुक के हम आपको दिखाया करेंगे। इस वाली ट्रिप में ये हम सोच के चले थे। तो ठीक है भाई, करते हैं खत्म इस वीडियो को और बाय बाय, गुड नाइट।